हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बिल्कुल नई सीरीज़, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि आपने कोटलिन के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको कोटलिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एग्जैक्टली कोटलिन लैंग्वेज जो है वो क्या है, और किसकी यानी किसने बनाई है वो लैंग्वेज, उसके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू कोटलिन का, फिर अपन इसके बारे में थोड़ा सर्च भी करेंगे, क्योंकि रिसर्च पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोटलिन लैंग्वेज के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोटलिन लैंग्वेज अभी आई हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में आपको वीडियोज, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। इसके बारे में एग्जैक्टली लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल ही नई है। अभी लेटेस्ट में कोटलिन लैंग्वेज जो है वो पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, बट लेटेस्ट में गूगल ने इस लैंग्वेज को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में यूज़ कर लिया है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ओएस, आप जो भी बनाना चाहते हैं आप उस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ कोटलिन में बनाएंगे अब से। पहले जैसे कि गूगल जावा का असिस्टेंस लेता था कोई भी लैंग्वेज को बनाने में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे क्रोम ओएस में, क्रोम ओएस डला हुआ है, तो उसमें जितने भी एंड्रॉयड के ओएस डले हुए हैं, या फिर हम कहें एंड्रॉयड के फ़ोन्स, उसमें जो एप्लीकेशन है वो सब जावा में बने हुए थे। बट अब से हमारे यहाँ कोटलिन यूज़ होने लगी। पर ऐसा नहीं है कि जो लोग को जावा आती है वो लोग अब एंड्रॉयड ऐप डेवलप नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो दिख रहा होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो में हम एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस डेवलप पहले इंटेलीजे के थ्रू जावा में वर्क करते थे, बट अब ये कोटलिन में होने लगे हैं। पर अगर किसी के पहले से बनाए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, तो उसको हम डायरेक्टली एक बटन के क्लिक से कन्वर्ट कर सकते हैं कोटलिन में। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा पर आगे वीडियोज़ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कोटलिन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावा जैसी है बट जावा से अच्छी है। मैं इसका रीज़न भी दूंगा आपको, जावा से अच्छी क्यों है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जेट ब्रेन्स ने बनाई है, जेट ब्रेन्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल करते हैं व्हाट इज़ कोटलिन। तो जो आप कोटलिन को सर्च करेंगे गूगल पर, तब सबसे पहले जो डेफिनेशंस आएंगी वो दो डेफिनेशंस आ रही हैं आपके सामने। एक विकीपीडिया का पेज है कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बता रहा है कि कोटलिन एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रन्स ऑन जावा वर्चुअल मशीन। जैसे मैंने बताया कि कोटलिन बहुत ज़्यादा सिमिलर है जावा से, पर जावा से बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जावा वर्चुअल मशीन का यूज़ करती है, इसलिए वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो कि एक जावा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। उसके साथ कोटलिन भी जावा वर्चुअल मशीन का यूज़ करती है। इसमें आप जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को भी कंपाइल कर सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड है आप कोटलिन में भी काम कर सकते हैं उसमें। फिर उसके बाद ये LLVM कंपाइलर यूज़ करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इट्स प्राइमरी डेवलपमेंट इज फ्रॉम अ टीम ऑफ जेट ब्रेन्स, जिन्हें मैंने बताया कि जेट ब्रेन्स ने इसको डेवलप किया है। उसके बाद अगर आपको और फर्दर पढ़ना है कोटलिन क्या है, कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप इसका विकीपीडिया पेज पढ़ सकते हैं। हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम बेसिकली प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो जैसे कि कोटलिन एंड एंड्रॉयड, यहाँ पर एक डेफिनेशन देकर रखी है। तो कोटलिन एंड एंड्रॉयड क्या है, जैसे मैंने बताया कि कोटलिन को एंड्रॉयड ने ले लिया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हैं या ओएस है एंड्रॉयड का, वो सब डेवलप किस में होने वाला है, कोटलिन में डेवलप होने वाला है। तो इसलिए कोटलिन की डिमांड आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोटलिन का पढ़ना हमारे सबके लिए ज़रूरी होता जा रहा है। While as Java is a battle-hardened language, it isn't without its issues. JetBrains known for IntelliJ IDEA. IDEA is basically IDEA, Integrated Development Environment. We can say A for Android, or we can say A for Advanced. And has introduced a Kotlin language. Kotlin is statically typed programming language. जैसे मैंने आपको बताया, statically typed programming language है. That runs on JVM. JVM पे वर्क करती है, और जावा सोर्स कोड को, जावा स्क्रिप्ट सोर्स कोड को भी कंपाइल करती है। तो अब हम इसके बारे में फर्दर जो है वो हम डिफरेंसेस हैं कोटलिन और जावा में, जो कि बेसिक पॉइंट है क्यों कोटलिन आई, जावा के क्या ड्रॉबैक्स थे कि कोटलिन डेवलप करी गई जेट ब्रेन्स के
द्वारा। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोटलिन के बारे में और जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मास्टर चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।